हेलो एवरीवन वेलकम आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कंज़म्पशन फंक्शन को क्या है कंज़म्पशन फंक्शन और कंज़म्पशन फंक्शन को ही हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं मीनिंग हमने देखा साथ में हम लोगों ने बात किया कि कंजम्पशन फंक्शन Uh, को एक टैबुलर फॉर्म में डिस्कस किया और देखा हमने हम लोगों ने कि कंजम्पशन इनकम के साथ किस तरह से रिलेटेड है साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राफिकल फॉर्म में भी कंजम्पशन कर्व को विद द इनकम कर्व बनाया और रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चूँकि कंजम्पशन फंक्शन इनकम और कंज़म्पशन के बीच के रिलेशनशिप को ही बतलाता है सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने इसी तरह के रिलेशनशिप को पहले हमने थ्योरी के फॉर्म में देखा फिर टेक्स्ट के फॉर्म में फिर हमने टैबुलर फॉर्म में डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने ग्राफिकल फॉर्म में देखा इसी को डिस्कस करते हुए हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे कि जो कंजम्पशन फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसके कितने टाइप हैं और जब हम लोगों ने टाइप देखा तो हमें दो टाइप पता लगे थे एक था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम शॉर्ट में ए पी सी कहते हैं और सेकेंड था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम शॉर्ट में एम पी सी कहेंगे ये दोनों ही टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है इनके मीनिंग के साथ इनका एग्जाम्पल फॉर्मूला ये सारी चीजें हम लोगों को जान लेनी है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं हमारे क्लास को जहां पे आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसके अंदर हम लोग दो टाइप डिस्कस करेंगे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज को कहते हैं एपीसी मार्जिनल को कहते हैं एमपीसी दोनों हम देखते हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें सबसे पहले तो, तो जो मीनिंग है ए पी सी का वो है इट रेफर्स टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम ए पी सी जो है ये रिलेशनशिप को बताता है या रेशियो को बतलाता है इनकम और कंजम्पशन के यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन के रिलेशनशिप से क्या मतलब है तो इनकम का वो हिस्सा जिसको कंज्यूम कर लिया जाता है उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं जहाँ पे हम ए को इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पे ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है सी कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर को दिखाता है और वाई जो है वो इनकम को दिखाता है जिसको हम यहाँ पे नेशनल इनकम भी कह रहे हैं या कह सकते हैं क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम एग्रीगेट लेवल पे होने वाले इनकम और कंज़म्पशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इनकम का जो भी हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया जाता है उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं जैसे हम सपोज करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति का इनकम जो है वो है हंड्रेड करोड़ रुपीस और कंजम्पशन जो है वो है एट्टी करोड़ रुपीस मतलब इनकम का अस्सी करोड़ रुपया जो है वो व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है अब इस स्थिति में जब हम ए पी सी निकालेंगे तो ए पी सी बराबर हम लिखेंगे सी बाई वाई जहाँ पर कंजम्पन है कितना एट्टी करोड़ और इनकम है हंड्रेड करोड़ जब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट एट जो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखाता है विच मीन्स कि व्यक्ति जो है वो इनकम का एट्टी परसेंट कंजम्पन एक्सपेंडिचर करता है या कंज्यूम कर लेता है तो इस तरह से एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेट को बतलाता है कि हम अपने इनकम का हिस्सा जो कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं उसका रेट क्या है ए को अगर हम टैबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अगर हम एक टेबल बना लें जहाँ पे हम एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं इनकम उसके बाद हम ले लेंगे कंजम्पशन और हम ले लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम ऑफकोर्स इनकम और कंजम्पशन की मदद से ही निकालेंगे अब सपोज करेंगे कि इनिशियली इनकम जो है वो है हमारा हंड्रेड और कंजम्पशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो वो है फोर्टी अब जब इनकम है ज़ीरो और कंजम्पशन हम फिर भी कर रहे हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब हम निकालेंगे तो वो हमारा कितना निकल जाएगा ज़रा देखोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालेंगे तो वो हमारा निकल कर आएगा फोर्टी बाय ज़ीरो अब किसी भी चीज़ को हम जीरो से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा कुछ भी नहीं स्टार्टिंग में आप यहाँ पे इसको इनडिटर्मिनेट कह सकते हैं और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनकम बढ़ गया जीरो से हो गया हंड्रेड ठीक है इनकम हमारा जीरो से बढ़ करके हो गया हंड्रेड और कंजम्पशन भी फोर्टी से बढ़कर के हो गया वन ट्वेंटी जब हम एपीसी निकालेंगे यहां पे किया था फोर्टी बायो यहां पे हम निकालेंगे कंजम्पशन तो कंजम्पशन है वन ट्वेंटी इनकम है हंड्रेड एपीसी जब हम निकाल रहे होंगे तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा वन पॉइंट टू यानी कि हम देख रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से अधिक आ रहा है कब जब कंजम्पशन इनकम से अधिक है ठीक उसी तरह से इनकम हमारा 200 हुआ कंजम्पशन भी बढ़ गया और वो भी बढ़ के हो गया 200. अब इस स्थिति में हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल कर आएगा वो हमने देखा वो आ गया है वन मतलब जितना कंजम्पशन हो रहा है अगर हम उतना ही जितना इनकम है अगर हम उतना ही कंजम्पशन करेंगे तो उस केस में हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू है वो एक के बराबर होगा और एक बार फिर से हमने देखा इनकम को बढ़ाकर तो कंजम्पशन हमारा बढ़ गया और वो बढ़ कर के हो गया टू जब हमने देखा कि कंजम्पशन है टू और इनकम है थ्री हंड्रेड विच मीन्स कि अब यहाँ पे इनकम की तुलना में कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है यहाँ अधिक था यहाँ बराबर था यहाँ कम है तब हम देखेंगे कि क्या वैल्यू निकल कर आता है हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का तो जब हमारा इनकम अधिक हो कंजम्पशन से और फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो वैल्यू आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट नाइन थ्री अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कंजम्पशन इनकम से कम तो फिर जो ए पी सी का वैल्यू है वो भी एक से कम होता है एक बार और इसी बात को चेक करने के लिए अगर हम इनकम को बढ़ा दें तो कंजम्पशन बढ़ेगा ज़रूर 280 से बढ़ के थ्री हो गया लेकिन जो रेशियो रहेगा वो कुछ इस तरह का कि कंजम्पशन इनकम से कम होगा यहाँ पे एक बार फिर से जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमें मिलेगा 0.90, पॉइंट नाइन विच मीन्स कि पहले से भी कम तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम और जैसे जैसे हम वो निकालते जा रहे हैं हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो बिहेवियर है वो पता लगता जा रहा है और बिहेवियर पता करते हुए हमने क्या देखा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके बारे में कुछ अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि एपीसी का वैल्यू वन हो सकता है कब हो सकता है वन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो एपीसी वन के बराबर तब होता है जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होता है जितना इनकम है सारा का सारा कंज्यूम कर लिया तो ए का वैल्यू एक हो गया ठीक उसी तरह से दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू एक से कम हो सकता है कब होगा ए का वैल्यू एक से कम तो जितना इनकम है अगर उससे कम कर रहे हैं कंजम्शन एक्सपेंडिचर उस स्थिति में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो एक से कम होगा वहीं पे दूसरी तरफ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में हमने ये भी देखा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू एक से अधिक हो सकता है और ये कब होगा तो ए का वैल्यू एक से बड़ा तब होता है जब इनकम जो है उससे ज़्यादा हो कंजम्पन जो हमें इस केस में दिखाई दे रहा है एक से बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से अधिक है और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो धीरे धीरे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू धीरे धीरे, धीरे घटता चला जाता है जैसे जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर या नेशनल इनकम बढ़ता जाता है जो कि हम देख रहे हैं इनकम बढ़ता जा रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्शन एक्सपेंडिचर है वो इनकम की तुलना में कम होने लगता है शुरुआत में व्यक्ति की नीड्स जो हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं जिन्हें पूरा करते हुए व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में भी होता है जहाँ पे वो इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करे उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाए और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब इनकम बढ़ने लगे लेकिन कंजम्पशन बढ़े बट इनकम की तुलना में कम और इसी वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो एक से सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो घटने लगता है जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगता है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एपीसी की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा क्यों क्योंकि कंजम्पशन जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता इवन कंजम्पशन तो तब भी होता है जब इनकम ज़ीरो हो तो फिर इस स्थिति में अगर कंजम्पशन पॉजिटिव रह गया विच मीन्स कि कंजम्पशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा ज़ीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने बेसिक नीड्स को कभी छोड़ नहीं सकते हैं उसको वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं तो जब बेसिक नीड्स को हमेशा पूरा किया जाएगा तो उस स्थिति में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगा और तब ए का जो वैल्यू है वो भी हमेशा ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा और इसी के साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा या पहला टाइप है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वो यहाँ पे फिनिश होता है आगे हम देखेंगे हमारे सेकेंड टाइप को और सेकेंड टाइप है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठीक इसी तरह से जैसे हमने ए देखा है आपको ए के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने होंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एपीसी के बिहेवियर को साथ ही साथ एवरेज प्रपेंसिटी टू कंज्यूम का जो नेचर है जीरो हो सकता है कब जीरो नहीं होगा क्यों वन कब होगा एम पी एपीसी का वैल्यू इस तरह की सारी बातें जो हैं, वो आपको याद रखनी है सेकेंड जो है हम देखेंगे मार्जिनल प्रपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम एम पी सी के नाम से भी जानते हैं इसके भी मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले तो कि क्या मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का तो एम पी सी का जो डेफिनेशन है या जो उसका मीनिंग है वो कुछ ऐसा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्प्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बतलाता है जिसको एम से हम डिनोट करते हैं कि कितना चेंज होगा कंजम्पशन में जब हम चेंज करेंगे इनकम को इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से पता किया जा सकता है जैसे कि मान लेते हैं कि इनकम में जो चेंज हो रहा है मान लीजिए कि इनकम पहले था सत्तर करोड़ रुपए जो कि बढ़ कर के हो गए हैं हंड्रेड एंड टेन करोड़ इनकम बढ़ गया सत्तर करोड़ से बढ़ कर के हो गया एक सौ दस करोड़ ठीक उसी तरह से या फिर इनकम नहीं तो कंजम्पशन मान लो कंजम्पशन जो है वो सत्तर से बढ़ कर के एक सौ दस हो गया है अब यहाँ पे जब हमारा कंजम्पशन बढ़ा क्योंकि इनकम जो है वो बढ़ गया था इनकम बढ़ के हो गया सौ करोड़ से दो सौ करोड़ तो इनकम सौ से दो सौ हो गया था तो कंजम्पशन भी सत्तर से बढ़कर के एक सौ दस करोड़ हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब निकालेंगे तो कंजम्पशन में कितने का चेंज आया सत्तर से एक सौ दस में कितने का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो है फोर्टी करोड़ का और इनकम में कितने का चेंज हुआ हंड्रेड से टू तो हंड्रेड करोड़ का जब हमने वैल्यू निकाला तो वैल्यू हमारा आ रहा है ज़ीरो पॉइंट फोर दिस इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो बताता है कि इनकम में सौ के चेंज आने से कंजम्पशन में भी फोर्टी करोड़ का चेंज आया तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें इसी में हेल्प करता है कि हम पता कर सकें कि इनकम में चेंज होता है जब तो कंजम्पशन में हम किस तरह से और कितना चेंज करते हैं अगर इसी बिहेवियर को हम टेबल के फॉर्म में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टेबल बनाते हुए हम सबसे पहले एक तरफ तो बना लेंगे इनकम फिर हम ले लेंगे कंजम्पशन फिर हम ले लेंगे चेंज इन इनकम देन चेंज इन कंजम्पशन और उसकी मदद से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब यहाँ पे इनकम है इनिशियली ज़ीरो ठीक कंजम्पशन है हमारा फोर्टी चेंज की बात करेंगे तो इनकम में चेंज कंजम्पशन में चेंज और एम हमें नहीं पता लग पाएगा बिकॉज़ उसके पहले का हमारे पास नहीं है फिर इनकम हमारा ज़ीरो से बढ़ के हो गया हंड्रेड कंजम्पशन भी वन फोर्टी से बढ़ के हो गया वन ट्वेंटी इनकम में चेंज की बात अगर हम करें तो कितने का चेंज हुआ इनकम में सौ का कंजम्पशन में चेंज की बात करें तो 40 टू 180 कितने का चेंज हो रहा है 80 का जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल रहे हैं तो वो निकलता है हमारा चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम 80 बाय 100 कितना हो जाएगा 0.8 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल के आया 0.8 ठीक उसी तरह से जब इनकम uh, हमारा बढ़ गया हंड्रेड से बढ़कर के हो गया टू हंड्रेड और कंजम्पन भी हमारा वन ट्वेंटी से बढ़कर के सपोज हो गया है टू फोर्टी तो यहाँ पे जब हम चेंज इन इनकम निकालेंगे तो वो आ रहा है कितने का चेंज इन यहाँ पे कंजम्पशन आपका टू ट्वेंटी हुआ है तो जब हम चेंज इन इनकम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है हंड्रेड और चेंज इन कंजम्पशन निकाल रहे हैं तो वो भी आ रहा है हंड्रेड जब हम एम पी सी का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा वन बिकॉज हंड्रेड बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू वन तो वो वन आ रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है फिलहाल लेकिन वन जो है वो आ जा रहा है अब इस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इनकम हमारा फिर से बढ़ा और कंजम्पशन जो है वो भी हमारा बढ़ा और बढ़ करके के ये हो गया आपका कितना तो 220 से बढ़ करके के ये सपोज़ कीजिए कि बढ़ गया और बढ़ करके के हो गया 280 तो यहाँ पे जब हम चेंज निकालेंगे तो इनकम का चेंज आया हमारा कितने का 100 का करोड़ का और कंजम्पशन का चेंज 280 से 220 से 280 तो 60 का जब हमने यहाँ पे एम का वैल्यू निकाला तो वह आया 60 बाई हंड्रेड विच मीन 0.6 परसेंट एक बार फिर से हमने यहाँ पे इनकम को बढ़ा करके देखा इनकम बढ़ करके हो गया 400। हंड्रेड कंजम्पशन हो रहा है बट कंज़म्पशन हमारा हो रहा है 280। जितना पहले था उतना ही अभी भी है 280 हमारा बेसिक कंज़म्पशन है जो हम कर रहे हैं अब इस स्थिति में हमारा क्या हो रहा है कि इनकम का चेंज हो रहा है हंड्रेड का और कंजम्पशन का जो चेंज है वो टू एट्टी से टू एट्टी का मतलब चें जीरो का जब हम एम पी सी निकालेंगे तो ज़ीरो बाय हंड्रेड करेंगे एनीथिंग ज़ीरो को डिवाइड करता है तो वैल्यू आपका ज़ीरो आता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम पी सी का वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बिहेवियर को जब हमने देखा तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता लग गए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट हम लोगों को पता लगा एम के बारे में वो कुछ ऐसा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो लाए करता है ज़ीरो टू वन ज़ीरो से एक के बीच में नेगेटिव नहीं होगा और एक से अधिक नहीं हो सकता है एक से कम ही होगा एक हो सकता है जीरो हो सकता है इन दोनों के बीच में हो सकता है इसी में अगर जाने कि एम का वैल्यू ज़ीरो कब हो जाएगा तो एम का वैल्यू ज़ीरो तब होता है जब इनकम में चेंज हो बट कंजम्पशन में बिल्कुल भी चेंज ना हो तो एम का वैल्यू ज़ीरो के बराबर कि इनकम बढ़ा लेकिन इंक्रीज जो हुआ इनकम में उसको हमने बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया उसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया उस स्थिति में एम का वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा ठीक उसी तरह से अगर एम पी सी का वैल्यू वन है तो कब जितना चेंज इनकम में हुआ अगर उतना ही चेंज हमने कंजम्पशन में भी कर दिया तो इस स्थिति में हमारा जो एम पी सी है वो वन के बराबर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है एम पी सी के बारे में कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है जैसे जैसे इनकम का इंक्रीज़ बढ़ता जाता है इनकम जैसे सक्सेसिवली इंक्रीज़ करता जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू घटता जाता है क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एम कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो पुअर का होता है वो अधिक होता है एज़ कंपेयर टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच रिच सेक्शन जो हैं सोसाइटी के उनका एम पुअर सेक्शन के एम से हमेशा कम होता है कारण है कि जो रिच सेक्शन है उनके बेसिक नीड्स काफ़ी पहले पूरे हो चुके हैं तो जैसे जैसे उनका इनकम इंक्रीज करता जाता है जो वो स्पेंड करते हैं अपने एक्सपेंडिचर पे उसको वो कम करते हैं क्योंकि उनके बेसिक नीड्स पूरे हो चुके हैं तो इनकम में इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से एम ऑफ रिच कम होता है ठीक वहीं पुअर की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो पुअर पीपल हैं उनके इनकम में इंक्रीज़ होने से वो इनकम के इंक्रीज को कंप्लीटली खर्च कर देते हैं कंजम्पशन पे क्योंकि उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हुए हैं तो उस स्थिति में उनके इनकम में थोड़ा सा भी चेंज होने से एक तो उनका इनकम लेवल ही कम है ऊपर से इनकम में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी हो गया तो कम इनकम है इनकम अगर बढ़ा तो उनकी जरूरतें इतनी अधिक होती है और पूरे वो अभी तक नहीं हुए होते हैं कि वो अपने इनकम के इंक्रीज को स्पेंड कर देते हैं ऑन द कंजम्पन जिसके कारण मार्जिनल प्रपंसिटी टू कंज्यूम पुअर का अधिक और रिच का कम हो जाता है और ये थ्री पॉइंट्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एम आप याद रखेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या बिहेवियर है और इसी के साथ हमारा जो दोनों टाइप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपको इन दोनों के मीनिंग के साथ साथ इनके बिहेवियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो याद रख लेना है ताकि किसी भी तरह के छोटे या बड़े सवाल हमसे पूछे जाए छोटे एज इन कम मार्क्स के क्वेश्चन और बड़े मतलब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाएं तो हम उसका आंसर कर सकें अगर आपसे थ्री मार्क्स में एपीसी पूछा जाएगा तो आप उसका सिंपल मीनिंग लिखेंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख करके ख़त्म कर देंगे बात अगर फोर मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप मीनिंग लिख दोगे सिम्बॉलिक फॉर्म पूछ लिख दोगे और उससे रिलेटेड uh, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि ए का वैल्यू लाए करता है या ए पी सी इज इक्वल्स टू वन होता है कब तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो का जो आंसर है वो कर पाएं इसके लिए आपका काम है कि ये टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है समझ लेना है नेक्स्ट क्लास में देखो आज का क्लास हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की ही तरह इससे सिमिलर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेविंग फंक्शन क्या है सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे टेक्सुअल फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में ग्राफिकल फॉर्म में एंड देन उसके भी हम लोग टाइप्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सेविंग फंक्शन हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम अगले क्लास में करेंगे थैंक यू